सब्सक्राइब करें टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, क्या आप सभी लोगों ने ऐसा कभी सोचा है कि जो हम डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए या फिर कैश ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग दो प्रकार के कार्ड्स यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसकी जगह पे हमें सिर्फ एक ही कार्ड यूज करना पड़े तो हमें कितना आसानी होगी। तो दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी कैरी करने में भी अलग अलग प्रकार के। आप जानते होंगे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अलग अलग प्रकार के कार्ड्स हैं और उनका हमें पिन भी याद रखना पड़ता है और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड नंबर वगैरह CVV नंबर जो होते हैं वो भी याद रखने पड़ते हैं, तो फिर एक ही कार्ड से हमारा दोनों काम हो जाएगा तो हमें कितनी आसानी होगी और कहीं कैरी करने में भी आसानी होगी और ट्रांजैक्शन करने में भी आसानी होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्योंकि इंडिया में पहला ऐसा कार्ड लॉन्च हो गया है। और दोस्तों, वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे किस बैंक ने अपना यह पहला कार्ड लॉन्च किया है और ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल साथ चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आप लोग को जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियोज के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सब्सक्राइब के अलावा आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डेबिट कार्ड का प्रयोग जहां ATM से पैसे का लेन देन करने और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता था, वहीं क्रेडिट कार्ड का उपयोग हम पैसों की कमी होने के कारण बैंक से पैसे क्रेडिट करने के लिए उसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों को दोनों कार्ड रखने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि अब इंडिया में भी ऐसा लॉन्च हो गया है। ऐसा कार्ड फॉरेन में ऐसा कार्ड जो है बहुत पहले से लॉन्च हो रहा था और बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं, लेकिन इंडिया में अभी पहली बार ऐसा कार्ड लॉन्च हो रहा है। और दोस्तों, इसको लॉन्च करने वाला जो बैंक है वो सबसे पहला बैंक इंडसइंड बैंक है, जो कि एक प्राइवेट बैंक है और इंडिया के बेस्ट प्राइवेट बैंक्स में से एक है। तो इसने अपनी यह सर्विस शुरू कर दी है। तो अगर आप लोग इंडसइंड बैंक के कस्टमर हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और सारे जितने बैंक्स हैं वो सब भी ऐसी फैसिलिटी ज़रूर लाएंगे। दोस्तों, यह है वो कार्ड जिसको इंडसइंड बैंक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने इस कार्ड को देखा तो इसमें आप लोगों ने जैसा कि देख रहे होंगे कि इसमें दो EMV चिप लगे हुए हैं और इसके साथ ही दो मैग्नेटिक स्ट्रिप भी लगे हुए हैं और जब आप लोग ट्रांजैक्शन करेंगे इस कार्ड से तो आप लोगों को जो स्टेटमेंट मिलता है वो सिर्फ एक ही मिलेगा, मतलब कि आप लोग चाहे डेबिट कार्ड के लिए यूज करिए चाहे क्रेडिट कार्ड के लिए यूज करिए, आपको ट्रांजैक्शन जो करते हैं उसमें एक ही स्टेटमेंट मिलेगा, उसी में सारा आप लोगों का विवरण होगा। और इसके अलावा जो रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, आप लोग तो पता ही होगा कि ट्रांजैक्शन करने पर रिवार्ड पॉइंट कुछ मिलते हैं बैंक द्वारा दिए जाते हैं, तो वो रिवार्ड पॉइंट भी एक ही में आएगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जिसको इंडसइंड बैंक ने लॉन्च कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में सारे बैंक्स ऐसा करेंगे और हमें दो कार्ड्स रखने से झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग इंडसइंड बैंक के कस्टमर होंगे तो कभी आप अगर इंडसइंड बैंक के ATM से पैसा निकालने गए होंगे तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि वहां पे आप लोगों को अपने हिसाब से डिनोमिनेशन भी चूज करने की ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप लोगों को 10 रुपये से लेकर 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये का डिनोमिनेशन आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और उसी को जो नोट होता है 2000 नोट की आपको जरूरत है तो सिर्फ 2000 का नोट ही आप निकाल सकती है। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अभी कुछ प्राइवेट बैंक में, मतलब कि इंडसइंड के अलावा, तो मुझे लगता है जो फॉरेन बैंक है उसमें ही ऐसा होता है, इंडिया में तो और कोई बैंक में ATM में ऐसे डिनोमिनेशन चूज करने की व्यवस्था नहीं है। तो इंडसइंड बैंक जो है काफ़ी अच्छी प्रोसेस ला रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंडसइंड बैंक के कस्टमर हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात हो गई और आप लोग जल्द से जल्द बैंक में जाकर संपर्क करके अपना ये वाला जो कार्ड है जो न्यू लॉन्च हुआ है उसको बनवा लीजिए और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दो कार्ड रखने की झंझट से जल्दी मुक्ति पाइए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है और इसके साथ ही आप लोग अपने सभी जानने वालों, अपने सभी दोस्तों, अपने सभी परिवार वालों के साथ शेयर करना है ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। और इस तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को टेक्नो बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सब्सक्राइब के बगल ही बेल आइकन का जो बटन होता है उसको आप लोग जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।